अस्सलाम वालेकुम, रिलायबल इंजीनियर में खुश आमदीद। आज हम हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग के हिसाब से। आज हम आपको सिखाते हैं कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग। सबसे पहले तो ये आपको देखना होगा कि ये क्यों लगाते हैं और कैसे लगाते हैं। ये हमारे पास एक 20 एम्पेयर का कॉन्ट्रैक्टर है, ये यहाँ लिखा हुआ होता है इसके ऊपर, ठीक है। अब इस कॉन्ट्रैक्टर को इसलिए लगाया जाता है कंप्रेसर को, जैसे मिसाल के तौर पर कंप्रेसर हीटअप हो रहा है या मामला हो रहा है कोई, इसके साथ कंप्रेसर खुदा न खास्ता लोड लेकर जल ना जाए, तो उससे पहले कंप्रेसर के जलने से पहले ये जल जाएगा कॉन्ट्रैक्टर। अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर जलेगा हमारा कंप्रेसर सेव हो जाएगा और पूरी सर्किट इलेक्ट्रिसिटी जो है इसकी ऑफ हो जाएगी। तो सबसे पहले हमें जो ध्यान रखना है ये लगाने के लिए, हमारे पास तीन ये जो है इसका नंबर होते हैं इसके। पहले में होता है न्यूट्रल, दूसरे में होता है इसका फेज जो इंडोर से आउटर पे आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इंडोर का सर्किट भी चेंज करना पड़ेगा, तीन वायरों वाला सर्किट लगाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्टर वाला सादा सर्किट। लेकिन फ़िलहाल मैं ये सिर्फ आपको कॉन्ट्रैक्टर के कनेक्शन करके बता रहा हूँ। न्यूट्रल एक नंबर, दो नंबर पर इसका जो आउटर इंडोर से आउटर पर सप्लाई आती है वो, और तीन नंबर पर इसका फेज़ होता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये कनेक्शन करके बताता हूँ। सबसे पहले तो हम ये एक वायर लेंगे और ये हमारा, ये आ जाएगा न्यूट्रल में, ये हमारा आ गया न्यूट्रल में और हमारा न्यूट्रल आएगा। हम ये दोनों पॉइंट सेम टू सेम होते हैं, मतलब कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये देखें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये दोनों सेम टू सेम होते हैं इसमें, मतलब या उस तरफ लगा लें हम या इस तरफ लगा लें, बात एक ही है। लेकिन एक ही वायर लगेगा इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा यहाँ से ही हमने न्यूट्रल से लिया इसको, ये हमने न्यूट्रल से लिया और हम इसको ये लेकर आ गए इधर, ये हमने कॉन्ट्रैक्टर को न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। ये हमने कॉन्ट्रैक्टर को इसके न्यूट्रल दे दिया है और अब हम बाकी के इसके कंप्रेसर की और फैन की वायरिंग करके दिखाएंगे। तो हमने ये कंप्रेसर को न्यूट्रल दे दिया, अब हम ये आ गई कंप्रेसर की अपना कॉमन, ये हम कंप्रेसर की कॉमन लगा देते हैं यहाँ पे। ये फेज़ होता है जो कि इसे डायरेक्ट हम तीन नंबर से यहाँ पे देंगे। मैंने जैसा आपको पहले बताया कि दो नंबर इसके जो है वो इंडोर से जो सप्लाई आती है वो होता है और तीन नंबर इसको डायरेक्ट फेस मिल रहा होता है यहाँ पे। तो हम ये यहाँ से एक वायर लेंगे, ये फेस हमारा, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। और ये फेस पहुँचा दिया यहाँ पे, ठीक है। ये वाले भी सेम टू सेम होते हैं, मतलब ये कंप्रेसर वाली आप यहाँ इस साइड पे लगा दो और ये फेज़ वाली इस साइड पे लगा दो, कोई मसले की बात नहीं है। अब इसी तरह फ़ैन की एक कॉमन होती है ब्लैक, ये कंप्रेसर की ब्लैक है और फ़ैन की ब्लैक है, ये हम लगा देंगे कंप्रेसर के बिल्कुल साथ। ये हमने लगा दिया, ये फ़ैन की कॉमन कंप्रेसर के साथ आ गई है, ठीक है। अब हम इसे, अब हमारे पास बची है ये रनिंग आ गई वाइट और ये स्टार्टिंग आ गई। ये मैंने आपको पूरे कनेक्शन इसके पहले भी समझा चुका हूँ मैं, ये रनिंग आ गई वाइट वाली रनिंग आ गई और ये रेड अपना स्टार्टिंग आ गई, क्योंकि इसमें हब सब जगह अलग अलग होती है। मैंने पूरी डिटेल के साथ इसका बताया था पिछले में, मतलब वायरें चेंज हो जाती हैं कभी कभी, कोई कर देता है, लेकिन ये कंपनी के कनेक्शन है, ठीक है, जो कंपनी देती है। तो अब हम लेंगे ये इसका रनिंग कैपेसिटर, इसे कंप्रेसर ऑन करने वाला। तो ये जो स्टार्टिंग है हम ये लगा देंगे इसकी एक साइड पे, स्टार्टिंग हमेशा सिंगल लगती है और उसके बाद हम इसे लगाएंगे रनिंग, ये दूसरी साइड पे लगाएंगे। रनिंग के साथ हमें लाजमी न्यूट्रल देना होता है जो इसको मतलब कंप्रेसर को न्यूट्रल देता है, ये हमें लाजमी न्यूट्रल देना है इसको। तो अब हम ये हमने इसको न्यूट्रल दे दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक
अब हम दोबारा इसमें आएंगे न्यूट्रल में, ये मर्ज़ी ये आपकी, आप चाहे तो न्यूट्रल इसके बराबर से भी दे दें, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, कोई मसले की बात नहीं है। ये देखें, ये बराबर वाला ये न्यूट्रल ही है, इसको कोई मसले की बात नहीं है। अगर हम चाहें तो ये यहाँ लगा के और इसमें लगा सकते हैं हम कैपेसिटर के ऊपर, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि हम इसे यहाँ से, इजी रहेगा क्योंकि वो फिर कनेक्शन उलझ जाते हैं तो बाज़ लोगों को समझ नहीं आते, तो बेहतर यही है हम इसको यहाँ से इसमें लगा देते हैं। अब ये देखेंगे, मैंने यहाँ से मतलब इसको न्यूट्रल देने के लिए ये मैंने यहाँ से लगा दिया, ये लगा दिया मैंने न्यूट्रल के अंदर, ये आ गया हमारा न्यूट्रल के अंदर, ठीक है। अभी आ गई हमारे पास फैन की स्टार्टिंग, ये हम लगा देंगे एक साइड पर। फैन की भी स्टार्टिंग सिंगल लगती है और कंप्रेसर की स्टार्टिंग भी सिंगल लगती है, देखिए मैंने सिंगल लगाई है, ये दो नक्के होते हैं, दोनों में से कहीं भी लगा दो लेकिन सिंगल लगेगी और रनिंग जो है वो उसके साथ, ये हमें यहाँ से न्यूट्रल देना लाजमी है इसको, ठीक है। अब ये इसका ये इसकी वाइड, ये फैन की ये वाइड रनिंग है, अब इसको भी न्यूट्रल देना लाजमी है। अब हम न्यूट्रल इसको कैपेसिटर से देंगे इस वाले का, क्योंकि ये यहाँ पे दो ही थे हमारे पास, तीसरा है नहीं, ये हमारे पास यहाँ पे दो ही पॉइंट थे, तीसरा हमारे पास पॉइंट नहीं है, तो बेहतर यही है कि यहाँ से हमने ये कैपेसिटर को दिया है, तो हम कैपेसिटर से ये एक और हमारे पास ये पॉइंट खाली है, हम यहाँ से ये दूसरे वाले इसके फैन के पॉइंट में लगा देंगे। इसके पॉइंट से ये हमने लगा दिया फैन के बराबर में। अब जो हमारे पास दो नंबर की ये बचा है दरमियान वाला फैन वाला, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सप्लाई होता है जब हम इंडोर ऑन करते हैं, कभी कभी फ़ौरन पहुंच जाती है सप्लाई, कभी कभी तीन मिनट के बाद आती है, तो ये जो दो नंबर है ये तीन मिनट के बाद सप्लाई देगा कॉन्ट्रैक्टर को, यानी यहाँ इस वाले पॉइंट में। तो हमारे पास ये एक और वायर है, हम इसे लगा कर को अभी दिखा देते हैं। तो ये हम इसे लगा देते हैं दो नंबर पे, ये हमने इसको लगा दिया दो नंबर पे, और ये हमने इसको दे दिया फेस। बहुत इजी कनेक्शन थे, बहुत सिंपल कनेक्शन थे, एक एक चीज़ मैंने वादे तौर पर इसीलिए बताइए कि अब ये जो बाद लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये चीज़ जो होती है ये यहाँ ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट ये सेम होता है, मतलब पासिंग होता है ये सिर्फ, ये यहाँ से इसको फेज़ मिला यहाँ आ गया, यहाँ से इसको फेज़ मिला, अगर हम फेज़ यहाँ लगाएंगे यहाँ से मिलेगा वो इधर आ जाएगा, बात एक ही है, मतलब सिर्फ ये वाला वायर जो है वो ऐसे लगेगा, मतलब ये जो फेज़ आ रहा है यहाँ से वो एक ही लगेगा यहाँ पर, फिर उसके सामने पासिंग के लिए जो अपने हमारी जो ये कंप्रेसर और फैन की जो कॉमन है ये एक साइड पर आएगी, ठीक है। तो ये दूसरी तरह के भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, एक तो इसी तरह का थोड़ा मोटा कॉन्ट्रैक्टर होता है वो सेम टू सेम होता है, और रिले कॉन्ट्रैक्टर होता है, और दूसरे टाइप के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो वो फिर हम आपको किसी दिन और बताएंगे, फ़िलहाल हम इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। तो अभी हमारे पास सर्किट नहीं है, मतलब इंडोर से हम नहीं चला रहे इसको, हम डायरेक्ट इसको जंपर देके चलाएंगे, लेकिन अगर आपने कनेक्शन कर लिए हैं तो और आपके पास सर्किट जो है वो मतलब किसी जगह पर आप लगे हुए हैं काम कर रहे हैं और सर्किट वहाँ पे मौजूद है तो सर्किट से चलाएं इसको, लेकिन मैं इसको फ़िलहाल डायरेक्ट चला के दिखा रहा हूँ आपको जंपर देकर। ये जो दो नंबर है हमारा ये हो गया जंपर, ठीक है, ये इसका इसको मिल गया जंपर। अब हम इसको फेज़ जब इसका हम इसमें लगाएंगे तीन नंबर पर, तो हम इसके फेज़ के साथ इसको लगाएंगे, ये इसको मिल जाएगा जंपर, ठीक है। या तो इजी तरीका ये है कि मैं यहाँ से यहाँ दे दूँ तो ये जंपर हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास क्योंकि थिम्बल थोड़े से कम है तो मैं बेहतर यही है कि मैं इसको यहाँ उसके साथ नीचे लगा देता हूँ।
जी, तो ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए, तो अब हम इसको ऑन कर रहे हैं। ये मैंने ब्लैक वायर जम्पर दी है, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक उसको फेज़ नहीं मिलेगा ये, और ये पुश नहीं होगा जब तक सिस्टम हमारा ऑन नहीं होगा, तो मैंने इसको ये जम्पर दिया है क्योंकि मेरे पास इसका सर्किट मौजूद नहीं है तीन वाला। ठीक है, ये सिर्फ मैं आप भाइयों को से शेयर करना चाह रहा था कि मैं आपको कनेक्शन ये इसके करके बता दूँ। बहुत ईजी और बहुत सिंपल कनेक्शन है। ठीक है, अब मैं इसे लगाता हूँ। आप ही देखें, बहुत सिंपल कनेक्शन है, ये मैंने भी लगाया माशाल्लाह से। हमारा कंप्रेसर भी ऑन हो गया, फ़ैन भी ऑन हो गया, ये देखें माशाल्लाह से हमारा ये कंप्रेसर भी ऑन हो गया और फ़ैन भी ऑन हो गया। बहुत सिंपल कनेक्शन है, बहुत सिंपल। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी ये है कि आने वाली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।